नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरा चैनल का नाम तो पता ही है। तो ये मेरा एक नया सीरीज है जिसका नाम है डिस्कस फैक्ट्स, जो मैंने और हम लोगों ने प्लान किया कि डिस्कस जो फिश है, मैं बहुत सारे वीडियोस उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बनाया है। तो ये वीडियो में हम छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं जिसमें डिस्कस के बारे में छोटे छोटे चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में हम बताएंगे। ये सीरीज वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस आएंगे सब लैंग्वेजेस में जो भी हम वीडियोस बनाते हैं। तो पहला फैक्ट जो ये वीडियो है, तो इसमें हम बात करेंगे डिस्कस क्या है, तो डिस्कस कहाँ से आया। तो डिस्कस बहुत ही सुंदर एक फ्रेश वाटर फिश है जो बहुत लोग रखते हैं और हमारे हॉबी में बहुत ही पॉपुलर है। बहुत लोग इसको किंग ऑफ द एक्वेरियम भी बुलाते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं जो बहुत सारे हॉबीज ने रखे हैं, ठीक है। तो डिस्कस बेसिकली सिक्लेट्स, जो हमारे सिक्लेट फिशेस हैं, उनका एक जीन से रिलेटेड है डिस्कस फिश। तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा थोड़ा सिक्लेट से भी मैच होता है। तो इनका जो ओरिजिन है, ये जो हमारा अमेजोन रिवर बेस है साउथ अमेरिका, तो उधर से ही ये इनका शुरुआत हुआ था। मेरा हिंदी उतना खास पता नहीं है, बट एनीवे, तो दैट इज हाउ, उधर से ही उनका शुरुआत और बेसिस, देयर ओरिजिन इज फ्रॉम देयर, फ्रॉम साउथ अमेरिका। लेकिन जो फिशेस हम हमारे हॉबी में जो देखते हैं इंडिया में, नहीं तो बाहर में, वो सब एक्चुअली फिश टैंक्स में ब्रीड किए जाने वाले फिशेस है। ये एक्चुअली वाइल्ड वेराइटीज नहीं है। वाइल्ड वेराइटीज आजकल बहुत मिल रहे हैं मार्केट में, बट बहुत एक्सपेंसिव है और उनको रखने का पैरामीटर्स भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। हमारा जो नॉर्मल टैंक में जो ब्रीड हुए हैं उनके हिसाब से, राइट। तो डिस्कस का नाम डिस्कस कैसे आया? तो आपने ओलंपिक्स में देखा होगा डिस्कस थ्रो, ये लोग एक राउंड जैसे डिस्क को, सर्कल है वो फेंकते हैं और जितना दूर रहता है डिस्कस थ्रो, राइट। तो सर्कल है, राउंड। तो डिस्कस फिश जो है वो भी एक बराबर से अच्छा शेप है तो बहुत राउंड रहता है, तो वहां से उसका नाम आया डिस्कस। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। इनके इसका साइंटिफिक जो नाम है वो है सिम्फी सोडान है इसका एक्चुअल साइंटिफिक नेम। तो वो बोलने में भी थोड़ी मुश्किल होती है, बट फिर भी वही इसका टेक्निकल और साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो और डिस्कस जो है आपको पता है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। बहुत सारे कलर्स में आते हैं डिस्कस, तो बहुत सारे कलर्स बोले तो रेड में, ब्लू, ऑरेंज, येलो, वाइट, टर्कोइस, और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस क्रॉस ब्रीड्स के जैसे वैरायटीज भी आते हैं बहुत सारे ब्राइट कलर्स में, और डिफरेंट वैरायटीज है। लेपर्ड्स आते हैं, स्नेक स्किन आते हैं, स्पॉटेड आते हैं, फेस स्पॉटेड आते हैं, वाइट बटरफ्लाई आता है, मैप्स जो मैप का जैसे लाइंस उसके ऊपर रहता है, और स्नेक स्किन और स्पाइडर, वैलेंटिनो से बहुत सारे नाम है। ये सब नाम मेरे ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे नाम है इसमें। सो बहुत सारे वैरायटीज हैं डिस्कस में जो आते हैं मार्केट में। सो सेकंड थिंग जो है, डिस्कस जो है ग्रुप्स में घूमना पसंद करती है, तो हमेशा डिस्कस उसको स्कूलिंग फिश बोलते हैं। स्कूल जैसा बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनका जो है वो एक हमेशा एक साथ में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो दे बहुत सारे उसको स्कूलिंग फिशेस बोलते हैं। तो हमेशा मिनिमम 6 to 8 नंबर्स चाहिए उनको बराबर से घूमने के लिए, और उनको जो कंफर्ट लेवल है और उनका जो नॉर्मल सी मेंटेन करने के लिए वो मिनिमम 6 to 8 नंबर। सो अगर आप डिस्कस रखना प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 6 to 8 डिस्कस मिनिमम रखिए। 2-3 डिस्कस इधर से उधर से मत लीजिए, वो बहुत बुरी बात है, उनको बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। तो मिनिमम 6 to 8 आप रखने का प्लान कीजिए, और उसके हिसाब से टैंक का साइज भी, ओके। तो टैंक के बारे में, पानी के बारे में और सारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, एपिसोड्स जैसा हम बोलते हैं उसको, तो एक एक करके बनाएंगे।
तो ये वीडियो में इतना ही है। तो डिस्कस क्या है, क्या क्या कलर्स में आते हैं और कहाँ से आए थे, तो जरूर अगले सीरीज और अगले एपिसोड्स के लिए वेट कीजिए डिस्कस फैक्ट्स का। तो आते रहेंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स, ठीक है। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं बाद में, बाय बाय।